अक्सर कुछ लोगों द्वारा पुलिस के विषय में मिथ्या फैलाया जा रहा है कि पुलिस सिर्फ गरीबों पर चालान थोपती है, जिस पर उत्तर देते हुए आयुक्त अमितेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि कार्यवाही के दौरान ऐसा किसी भी प्रकार का भेदभाव जनता के साथ नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता तो कल 300 बुलेट्स को जब्त किया गया है और यकीनन यह किसी गरीब की ना होकर सदन लोगों की ही होगी, तो ऐसा झूठ फैलाना किसी भी प्रकार से योग्य नहीं। ही धारणा की पुलिसांची कारवाई गरीब माणसावर होते हे कोणत्याही परिस्थितीत संयुक्तिक नाही है। रस्त्यावर चालत असताना ज्यावेळी वायलेशन्स होते, कधी कधी ही नक्कीच अशा घटना घडते की 100 वायलेशन्स होत असतील, पुलिस 10-15 पकडू शकतात, ते ऑब्व्हियसली काही लोक निघून जातात, परंतु वायलेशन्सचे उद्देश वायलेशन्स विरुद्ध कारवाई करण्याची इन्फोर्समेंटची उद्देश आहे डिटरन्स क्रिएट करणे, ती डिटरन्स क्रिएट करण्याची दृष्टिकोनातून पुलिस कारवाई करत आहे। गोरगरीबचे विषय असतील तर काल परवा 300 वर गाड्यांवर कारवाई करण्यात आली, त्यापैकी 40-50 बुलेट जप्त करण्यात आली, ती कोणत्याही परिस्थितीत ते गोरगरिबांचे बुलेट नसते। म्हणून अशा प्रकारचे संभ्रम जर कोणाला असतील की हे कारवाई गरीब माणसावर होत आहे तर ते चुकीचे आहे। कारवाई ज्यावेळी इन्फोर्समेंटची असते ते सर्वांचे विरुद्ध सारखे एकच प्रकार प्रमाणे असते। साथ ही साथ इस समय जानकारी देते हुए आयुक्त अमितेश कुमार ने यह स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान पुलिस का पूर्ण वर्दी में होना आवश्यक है। टोपी से लेकर जूतों तक पूरा गणवेश परिधान करना बंधन कारक है। इस वक्त मास्क के विषय में फैले संभ्रम को स्पष्ट करते हुए अमितेश कुमार ने बताया कि प्रदूषण के कारण पुलिस मास्क का उपयोग कर सकते हैं, तो कई बार पर्याय के तौर पर पुलिस कर्मी स्कार्फ का भी उपयोग करते हैं। इसके पीछे पहचान छुपाना ना होकर प्रदूषण से बचाव का कारण है। देखिए, एक विषय सामने आया था जिसमें कुछ आरोप लगाए गए थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले मुंह पे स्कार्फ बांध करके गैर कायदेशीर तरीके से चालान बना रहे हैं। उस पे मैंने ये स्पष्ट किया था कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो रास्ते पे रहते हैं उनको पूरी तरीके से यूनिफॉर्म, जो कैप से लेके शूज तक, बेल्ट सब कुछ अनिवार्य है। रही बात स्कार्फ की, तो मैंने ये बताया था कि ट्रैफिक पुलिस रास्ते पे खड़े रहते हुए धूप, बारिश और बहुत विपरीत वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, और कोरोना के काल में मास्क भी सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पे ज़रूरी था। कुछ कर्मचारी और पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए भी मास्क बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ट्रैफिक कर्मचारी ज़रूर मास्क के बजाय स्कार्फ पहने हुए देखे गए थे। वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव अपना आइडेंटिटी छुपाने का नहीं रहता है, क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी नेम प्लेट से स्पष्ट होता है। कभी कभी लोग मास्क के जगह स्कार्फ लगाते हैं, जिसके वजह से लोगों ने कुछ आपत्ति व्यक्त की थी। हमने ये स्पष्ट किया था कि इसमें कोई इम्पोस्टर या कोई इम्पर्सोनेशन हो रहा है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रही बात की कोई प्राइवेट व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस के भेष में चालान कर रहा है, इस प्रकार की कुछ लोगों ने आक्षेप जताई थी, वो मैंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की शहर में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति सिविलियन इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई में देखा गया तो उसके ऊपर चीटिंग, इम्पर्सोनेशन, फोर्जरी, फ्रॉड सबके अंतर्गत ऑफेंस रजिस्टर किया जाएगा। बट ट्रैफिक पुलिस रास्ते पे चालान कर रहे हैं, स्कार्फ ज़रूर कुछ लोगों ने लगाए देखे गए हैं। हमने एडवाइजरी ज़रूर इशू किया है कि शक्य तो स्कार्फ अवॉइड करके रितसर मास्क का उपयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।